हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण उपापचयी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी क्रिया है? तो दोस्तों, श्वसन अपचयी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण उपापचयी क्रिया है, श्वसन अपचयी क्रिया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, अरस्तु दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया? तो स्वतः जननवाद का खंडन किसने किया? लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने दोस्तों स्वतः जननवाद का खंडन किया था। अगला प्रश्न, प्रोटीन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, जो प्रोटीन निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? एमिनो अम्ल के अणु आवश्यक होते हैं दोस्तों, प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्ल के अणु आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, विषाणु किसके बने होते हैं? दोस्तों, विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के, आप सॉरी दोस्तों, विषाणु किसके बने होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के। अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोगों में कौन सा मिश्रण लिया था? दोस्तों, मेथेन अमोनिया। दोस्तों, एक है उसका उत्तर, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत किसने दिया? जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत किसने दिया दोस्तों? ओपेरिन तथा हेल्डेन ने, ओपेरिन तथा हेल्डेन ने दोस्तों जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत दिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे पहला जीव कौन सा है? तो दोस्तों, डिकनसोनिया, डिकनसोनिया दोस्तों पृथ्वी का सबसे पहला जीव है, पृथ्वी का सबसे पहला जीव कौन सा है? डिकनसोनिया। अगला प्रश्न है, मानव किस गण का सदस्य है? तो दोस्तों, मानव किस गण का सदस्य है? प्राइमेट्स, मानव प्राइमेट्स गण का सदस्य है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मिलर ने अपने प्रयोगों में एन वन NH3CH4 का अनुपात, तो मिलर के प्रयोगों में NH3CH4 का अनुपात कितना है? 2:1:2। मिलर के प्रयोगों में दोस्तों NH3CH4 का अनुपात 2:1:2। अगला प्रश्न है, कास्मिक पैंसरमिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, कास्मिक पैंसरमिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरहेनियस। दोस्तों, फिर सुन लीजिएगा, कास्मिक पैंसरमिया दोस्तों, कास्मिक पैंसरमिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरहेनियस। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, पहला जूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है। और दोस्तों, जूलॉजी के फादर अरस्तु जी हैं और बॉटनी के थियोफेस्टस हैं, जिसको मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? दोस्तों, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन शब्द, जो कि जेनेटिक्स पेपर में पूछा गया था। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न, अजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक नहीं थे? दोस्तों, जो अजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत था उसके समर्थक कौन नहीं थे? क्यूवियर, क्यूवियर दोस्तों अजीवाद जीवोत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? तो लैमार्क और ट्रेविनेरस, बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। और दोस्तों, किस शब्द से मिलकर बना है? बायोस प्लस लॉगस दोस्तों, बायोस BIOS प्लस LOGOS, बायोलॉजी दोस्तों बायोस प्लस लॉगस दो शब्द से मिलकर बना है, और यह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, ये थे कुल आपके 20 प्रश्न जो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।